नहीं, मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे बड़ा समर्थन दिया है, उससे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है। देश में मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश की सराहना हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं इस देश के अंदर जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकते हैं और देश की समस्याओं से छुटकारा दिला जा सकते हैं। इसलिए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते आज हम दिल्ली में हैं, तो हर राज्य के लोग से जब मिलते हैं तो वो सब हम लोगों की बड़ी बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हम लोगों का गौरव बढ़ता है। तो पिछले विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि एक तरफा समर्थन भाजपा को दिया है, भाजपा का गढ़ है मध्य प्रदेश और तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हम हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य डॉक्टर मोहन यादव जी की मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में बन के दिखाएंगे। इस बार मध्य प्रदेश से कौन-कौन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, 7:15 बजे जब शपथ ग्रहण होगा उस समय मंच पर बैठे हुए लोगों को जब हम देखेंगे तब फिर गिनती करके आपको बताएंगे कि इतने लोग बन रहे हैं। शिवराज सिंह जी को एक नया पद मिल सकता है क्या? संभावना पूरी है, क्योंकि हालांकि जब कॉल आता है तो जनरली लोग कम उसकी चर्चा करते हैं अनुशासन में रहते हुए, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश से अच्छा प्रतिनिधित्व मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जरूर देंगे। नहीं, मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे बड़ा समर्थन दिया है, उससे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है। देश में मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश की सराहना हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं इस देश के अंदर जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सकते हैं और देश की समस्याओं से छुटकारा दिला जा सकते हैं। इसलिए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते आज हम दिल्ली में हैं, तो हर राज्य के लोग से जब मिलते हैं तो वो सब हम लोगों की बड़ी बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हम लोगों का गौरव बढ़ता है। तो पिछले विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि एक तरफा समर्थन भाजपा को दिया है, भाजपा का गढ़ है मध्य प्रदेश और तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हम हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य डॉक्टर मोहन यादव जी की मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में बन के दिखाएंगे। इस बार मध्य प्रदेश से कौन-कौन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, 7:15 बजे जब शपथ ग्रहण होगा उस समय मंच पर बैठे हुए लोगों को जब हम देखेंगे तब फिर गिनती करके आपको बताएंगे कि इतने लोग बन रहे हैं। शिवराज सिंह जी को एक नया पद मिल सकता है क्या? संभावना पूरी है, क्योंकि हालांकि जब कॉल आता है तो जनरली लोग कम उसकी चर्चा करते हैं अनुशासन में रहते हुए, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश से अच्छा प्रतिनिधित्व मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जरूर देंगे।